मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, सूर्य का रत्न माणिक कब करता है धन की बरसात। सन जेम रूबी डज मनी रेन। जी हाँ मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में बहुत ही शैक्षिक हैं और ज्योतिष के प्रति आपको पारंगत बनाने में कामयाब है। तो मित्रों, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। हम पुनः आप सबसे आग्रह कर रहे हैं रोज की तरह कि अगर अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आज से अंत तक जरूर देखें और मित्रों को शेयर जरूर करें। और जो दर्शक मित्र बराबर देख रहे हैं, देखें, वो भी इससे जागरूक होकर के ज्योतिष की महत्ता को बढ़ावें और ज्योतिष के द्वारा अपना कुंडली विश्लेषण करा करके ज्योतिषी के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान पाऊं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम बैनर को हटाते हैं, व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। तब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। जी हाँ मित्रों, आज बहुत गणित का तामझाम नहीं है, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि अगर आप वास्तव में आज से अंत तक वीडियो को देखोगे और दिल दिमाग लगा करके समझोगे तो निश्चित ही एक न एक दिन आप इतने कामयाब ज्योतिषी बन जाओगे या स्वयं अपने कुंडली के बारे में इतने कामयाब हो जाओगे कि फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर अपनी कुंडली को आप पढ़ लिए, अपने मित्र परिवार की कुंडली आप पढ़ लिए, तो फिर आप सफल जिंदगी जी सकोगे। तो मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूं उसको आप कायदे से स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसमें पात्र बन जाए। आज की कुंडली है मित्रों सिर्फ कर्क लग्न की एक कुंडली है, इसमें वहां तो दो तीन ग्रह दिए। आप सभी जानते हैं कि धन की बरसात कैसे हो सकती है। जो ग्रह 2, 6, 11 का कार्येश हो उसी में वेल्थ पावर होता है, मनी पावर होता है, धन की स्थिति बना सकता है। अब रूबी की बात है, सूर्य का रत्न रूबी, ये सूर्य की दशा मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चल रही है और सूर्य का रत्न होता है माणिक रूबी और सूर्य एकदम धन बरसात कराने में सक्षम है। कैसे सक्षम होगा? जब सूर्य 2, 6, 11 का कार्येश होगा तब। कैसे होगा? 2, 6, 11 तीनों का होगा या 6, 11 का होगा या 2, 11 का होगा या 2, 6 का होगा, तभी जो है धन की बरसात करा सकता है। अगर रूबी पहन लिया जाए, माड़ी के पहन लिया जाए उसकी दशा में, क्योंकि कोई भी फल मिलता है महादशा काल में, उस कालखंड में। और अगर सूर्य उसके लायक है तो अगर रूबी पहन लिया जाए, माड़ी के पहन लिया जाए, तो निश्चित ही धन की बरसात होगी और आप पूरी तरह से संपन्न हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, मिलेनियर भी बन सकते हो। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कैसे माणिक के धन की बरसात करा सकता है, कब करता है। अब एक व्यक्ति पर मान लीजिए सूर्य की महादशा है और सूर्य बैठा हुआ है तुला राशि में। देखिए, यहां तुला राशि में सूर्य बैठा है, चौथे स्थान में बैठा है। तुला राशि में बैठा हुआ है 29 अंक 30 कला पर, 10वीं कला पर, बॉर्डर पे बैठा हुआ है। 29 अंक 30 कला 10वीं कला पर विशाखा नक्षत्र होता है, समझ रहे हैं? विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है। तो एक तो सूर्य अपना फल देगा जिस भाव में बैठा है और जहां उसकी राशि है, और दूसरा वो नक्षत्रेश जो बृहस्पति है जहां बैठा है और जहां उसकी राशियां हैं, ये दोनों फल मिलेगा। लेकिन जहां नक्षत्रेश और नक्षत्रेश की राशियां होती हैं उसका फल श्रेष्ठ फल होता है। तो हम देखेंगे सूर्य किन भावों का कार्येश है। अब आपको देख लीजिए, सूर्य बैठा हुआ चौथे घर में। देखिए लग्न कुंडली और कर्क कुंडली हमने एक साथ रखा है,
ग्रहों को नहीं ज्यादा रखा था कि आप स्पष्ट रूप से सबको पढ़ सके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। सूर्य बैठा हुआ चौथे घर में तो चार का कार्य सुना। सूर्य की राशि सिंह है द्वितीय भाव में घर में अर्थात दो का कार्य सुगा। सूर्य का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देखिए लाभ स्थान में बैठा अर्थात ग्यारह का कार्य सुगा। बृहस्पति की दो राशि होती है धन और मीन। धन देखिए छठवें है और मीन है नौवें तो छह और नौ का कार्य। इस प्रकार से सूर्य चार दो ग्यारह छह और नौ का कार्य हुआ अर्थात सूर्य में दो ग्यारह और छह तीनों हैं अर्थात सूर्य में वो शक्ति दिखाई दे रही है कि सूर्य धन की बरसात करा सकता उस व्यक्ति में जिस पर महादशा चल रही है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक चीज कंडीशन और है मित्रों कि हमें ये भी देखना चाहिए कि सूर्य का सब लॉर्ड जो क्या वो भी दो छह ग्यारह को सपोर्ट कर रहा है। ये फल तभी मिलेगा। मान लीजिए केवल सूर्य में दो छह ग्यारह है और इसके सब लॉर्ड में दो छह ग्यारह नहीं है तो सूर्य पावरलेस हो जाएगा नहीं कर पाएगा। ये जरूर आपको देखना है। तो सूर्य का सब लाड़ है चंद्रमा क्योंकि 6-29-30 अंश पर नक्षत्र स्वामी बृहस्पति होता है और सब लाड उसका उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा होता है। आप चार्ट उठा के देख लेंगे तो चंद्रमा जो है वृष राशि में बृहस्पति के ही साथ बैठा है लाभ स्थान में बैठा है और चंद्रमा का स्पष्ट है 6-11-20 अर्थात वृष में 6 अंश 11 कला 20 भी अर्थात 6 अंश 11 कला 20 विकला पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है वृष राशि नहीं कृतिका नक्षत्र होता है मित्रों। अश्विनी भरणी कृतिका का एक चरण मेष में होता है और तीन चरण मैंने 10 अंश तक वृष में होता है तो अर्थात कृतिका नक्षत्र सूर्य का है। अब चंद्रमा का भी आप निकाल लें कि चंद्रमा किन भाव का जैसे जो सर लाड है सूर्य का जो महान समानार्थ है इसका सर लाड चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है चंद्रमा देखिए एकादश में बैठा है तो 11 का कार्य हो गया। इसकी अपनी राशि कर्क लग्न में है तो 1 का कार्य हो गया। सूर्य के नक्षत्र में बैठा है इस नाते 4 का कार्य सूर्य चतुर्थ में बैठा है 4 का कार्य हो गया और सूर्य की एक ही राशि है सिंह है द्वितीय में बैठी अर्थात चंद्रमा 2 का कार्य चंद्रमा 11-2 का कार्य हुआ और इस सूर्य जो है 2-11-6 का कार्येश हुआ और उसका सब लाड 11-2 का कार्येश है अर्थात धन स्थान और 11 स्थान लाभ स्थान इसका कार्येश है। तो इस मानक को सूर्य पूरा कर रहा है कि स्वयं भी 2-11-6 का कार्येश है और इसका सब लाड चंद्रमा भी 11-2 का कार्येश है अर्थात सपोर्ट कर रहा है चंद्रमा। अब इस व्यक्ति को इस जातक को अगर माणी के पहना दिया जाए सोने में तो निश्चित रूप से इसको धन की बरसात। तो मित्रों मेरा आशय यही है कि इन छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के विश्लेषण करें कुंडली की समीक्षा करें इन उदाहरणों के माध्यम से देखें और गहराई से उसको उतारें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए हर पॉइंट पर नहीं तो केपी सिस्टम के नियम बहुत सरल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है बहुत ही सटीक है। तो मित्रों अगर यह नियम आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए रोज हम एक एक टॉपिक लेके आते हैं प्रायः लोग धन के बारे में ज्यादा सोचते हैं हम चाहते हैं वेल्थ पावर मनी पावर उनका मजबूत हो जाए। तो मित्रों हम यही कह रहे हैं कि सन जेम रूबी हन डज मनी रेन अगर ऐसी कंडीशन हो और रूबी पहना दिया जाए तो मनी की बरसात होने लगेगी। तो मित्रों समय ज्यादा हो रहा है और हम टॉपिक को बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।